हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एक बहुत छोटी सी बात करेंगे सेक्शन 19 से रिलेटेड, दैट इज कि एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को अपने शेयर्स नहीं दे सकती, और वी कैन से कि एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती। तो सेक्शन 19 एक प्रोहिबिशन लगा रहा है, प्रोहिबिशन। Prohibition as to what? कि सर, फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है ए लिमिटेड और इसकी सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड। हम कह रहे हैं सर बी इसकी इसकी सब्सिडरी कंपनी है और ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है सर। तो इस केस में हम कह रहे हैं कि सर, एक होल्डिंग प्रोहिबिशन हम किस पे लगा रहे हैं? प्रोहिबिशन हम लगा रहे हैं सबसी पे। हम सबसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं कि आप अपने होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकते। Cannot purchase shares. तो सेक्शन 19 ने एक प्रोहिबिशन लगाई है, अपनी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनीज हैं वो अपनी होल्डिंग कंपनीज के शेयर्स नहीं खरीद सकती, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो हम यहां पर लिख रहे हैं नो सब्सिडरी कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। कोई भी सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती, होल्डिंग के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। मैंने दो टर्म्स यहां पर यूज करी हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्टली शेयर्स परचेज कर रहे हैं या इनडायरेक्टली शेयर्स परचेज कर रहे हैं, आप अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकते। फर्दर एक प्रोहिबिशन होल्डिंग कंपनी पर भी है कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई शेयर ना तो अलॉट कर सकती है ना ही ट्रांसफर कर सकती है। नो होल्डिंग कंपनी कैन अलॉट और ट्रांसफर इट्स शेयर्स to subsidiary company. आप अपनी सब्सिडरी कंपनी को ना तो कोई शेयर्स अलॉट कर सकते हो और ना ही कोई शेयर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। यह एक प्रोहिबिशन है होल्डिंग कंपनी के ऊपर। अगर होल्डिंग कंपनी ने ऐसा किया, पहले तो हम कह रहे हैं कि सर होल्डिंग कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इन एनी केस होल्डिंग कंपनी ने अपने शेयर्स सब्सिडरी कंपनी को या तो अलॉट किए या ट्रांसफर किए, तो एक्ट कह रहा है ऐसी अलॉटमेंट और ऐसी ट्रांसफर वॉइड होगी। एनी सच ट्रांसफर और अलॉटमेंट विल बी void अगर आपने कोई ऐसी अलॉटमेंट करी, कोई ऐसी ट्रांसफर करी, वो अलॉटमेंट वो ट्रांसफर void होगी सर। तो ये हमारी दो तीन बातें जो हमने याद रखनी है। सर मैं इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक्सेप्शंस
हम कह रहे हैं सर कुछ केसेस ऐसे हैं, वैसे तो एक सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनीज के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती, लेकिन कुछ इंस्टेंस ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर्स परचेज कर सकती है। इन एक्सेप्शंस में होगा क्या? सब्सिडरी कैन होल्ड शेयर्स ऑफ देयर होल्डिंग, सब्सिडरी कैन होल्ड शेयर्स ऑफ देयर होल्डिंग। तीन केसेस हैं सर। सर अगर सब्सिडरी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव था किसी पर्सन का जो उसकी होल्डिंग के शेयर्स परचेज कर रहा था और उस पर्सन की डेथ हो गई, तो शेयर्स ऑटोमेटिकली सब्सिडरी को ट्रांसमिट हुए, तो ट्रांसमिशन के केस में यहां पर मना है अलॉटमेंट से, यहां पर मना है ट्रांसफर से, लेकिन ट्रांसमिशन से कोई मना नहीं है। मतलब इफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आर ट्रांसमिटेड टू सब्सिडरी कंपनी, इफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आर ट्रांसमिटेड टू सब्सिडरी कंपनी, मतलब मैं आगे नेक्स्ट पेज पर एक बार इसको समझा रहा हूं कि एक पर्सन था मिस्टर ए, इसका कोई वाली वारिस नहीं था, इसने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी को बनाया हुआ था ए लिमिटेड, इसकी कंपनी थी, इसको अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया था कि सर मेरी डेथ के बाद मेरी सारी एसेट्स इस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगी, ऐसा हो सकता है? और सर मिस्टर ए के पास बी लिमिटेड के शेयर्स थे, मिस्टर ए के पास बी लिमिटेड के शेयर्स थे, ये बी लिमिटेड कंपनी ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी भी थी, ये बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी थी और ये ए लिमिटेड इसकी सब्सिडरी थी, इसकी सब्सिडरी कंपनी। अब हुआ ये कि जैसे ही मिस्टर ए की डेथ हुई, ये बी लिमिटेड के जो शेयर्स ए के पास थे ये किसको ट्रांसमिट हो गए? ए लिमिटेड को। अब क्वेश्चन तो ये कहता है, प्रोविजन तो ये कहते हैं कि एक सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती, नहीं होल्ड कर सकती, लेकिन इस केस में ऐसा कर सकती है। अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के शेयर्स आ जाएं थ्रू ट्रांसमिशन तो ये अलाउड है, तो ऐसा करना अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो एक तो ये है कि सर आप अपने जो शेयर्स ले रहे हो वो शेयर्स आपको ट्रांसमिट हुए थे सर, ट्रांसफर नहीं हुए थे। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि सर अगर एक कंपनी ट्रस्ट में किसी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड करती है तो वो ऐसा कर सकती है। इफ सच कंपनी होल्ड शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग इन अ ट्रस्ट,
अब क्या बात है ये भी एक बार कर ले सर. एक पर्सन था मिस्टर ए, उसके पास बी लिमिटेड के शेयर्स थे. ये चाहता है कि इस बी लिमिटेड के शेयर्स को मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स यूज करूं. तो इसने ए बी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड को दे दिए इन अ ट्रस्ट. इस केस में मिस्टर ए कौन है सर? जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, मैंने बताया था, वो ऑथर होता है. और जो जिसको आपने प्रॉपर्टी दी है वो आपका ट्रस्टी होता है, और जिसके बेनिफिट के लिए क्रिएट किया गया है वो बेनिफिशियरी होता है. बेनिफिशियरी. तो ए ने ट्रस्ट क्रिएट किया, ए को, ए लिमिटेड को ट्रस्टी बनाया, बी इसमें एक्स जो है वो आपका बेनिफिशियरी है, और ए को, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड के शेयर्स दिए. अब ए लिमिटेड सब्सिडरी है, खुद बी लिमिटेड की. बी लिमिटेड क्या है? होल्डिंग है सर. बी लिमिटेड तो होल्डिंग है और ए लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है. सर इस केस में वैसे तो जनरल रूल कहता है कि एक सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकता, लेकिन अगर एक सब्सिडरी ट्रस्ट में अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करे तो यह अलाउड है. यह भी अलाउड है. तो ये दो इंस्टेंस हैं. एक तीसरी और बात कर रहा हूं सर जहां पर ये अलाउड है. तीसरी और बात कर रहा हूं सर. सर तीसरी बात कर लें तो हम यहां पर कह रहे हैं कि सर अगर सब्सिडरी कंपनी ने शेयर पहले एक्वायर किए थे, सब्सिडरी बनने से पहले, बाद में वो उसकी सब्सिडरी बनी, तो वो शेयर होल्ड करके रख सकती है, मगर वो एक्वायर पहले किए होने चाहिए, सब्सिडरी बनने से पहले. इफ अ कंपनी होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग इट्स सब्सिडरी, तो इस केस में भी ये अलाउड है. याद रखना एक छोटी सी बात है कि सर अगर हम बात करें तो क्या ये सब्सिडरीज के पास वोटिंग राइट भी होगा? सर इन दो केस में तो वोटिंग राइट होगा, इसमें भी होगा, लेकिन अगर हम बात करें थर्ड की तो सर यहां पर कोई वोटिंग राइट नहीं होगा. सर नो वोटिंग राइट यहां पर, सर कोई वोटिंग राइट नहीं है. वोटिंग राइट सिर्फ आपको दो ही केसेस में मिलेगा, अगर शेयर आपकी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसमिट हुए थे या अगर शेयर होल्डिंग कंपनी को ट्रस्ट में मिले थे तो ही, सब्सिडरी कंपनी को ट्रस्ट में मिले थे तो ही आपको वोटिंग राइट मिलेंगे, सब्सिडरी को वोटिंग राइट मिलेंगे. अदरवाइज ये थर्ड केस में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, सब्सिडरी कंपनी को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा कि शेयर पहले से एक्वायर किए हुए थे. वहां पर वो एक्वायर करके रख सकता है, मना नहीं है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बस. तो ये आपके कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अ होल्डिंग कंपनी. तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.